ये सब वारदात होने के बाद एक्चुअली लॉकडाउन था, उस वजह से ये लोग उस वक्त तुरंत बाहर निकल के अपनी FIR को नहीं दर्ज कर पाए या अपनी शिकायत कहीं भी नहीं दे पाए। तो ह्यूमन राइट सेल एक राष्ट्रीय महिला जागृति मंच है जिसके अंदर इस तरह से महिलाओं को लॉकडाउन के लिए हमने एक वेबसाइट बनाई थी, उस पर हमने एक पेज डाला था जिसपे ये सारी महिलाएँ अपनी कंप्लेंट्स कर सकती है लॉकडाउन के अंदर ही, और जिसके अंदर जिनके साथ घरेलू हिंसाएँ हो रही है। तो इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन राइट सेल में अपनी कंप्लेंट हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सुरभि ढींग को दी थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये एप्लीकेशन मुझे फॉरवर्ड की थी और उन मैंने इस महिला से संपर्क किया, इनकी सारी बात को और बच्ची से बात करके सारी बात सुनी। उसके बाद इन्हें थाने ले जाकर एप्लीकेशन दिलवाई गई, इनके सारे बयान करवाए। जैसा कि बच्ची बहुत छोटी है और बच्चा भी ऑलमोस्ट 16 साल के लगभग है, तो जो घटना हुई वो बहुत ये कह सकते हैं एक किसी साजिश के तहत हुई या इसका खुलासा आगे समय के अनुसार होगा, क्योंकि जो बच्चा है वो एक मौलाना का बेटा है और उसने इस तरह का जो दुष्कर्म बच्ची के साथ किया है तो उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिसके लिए आज उसे कोर्ट में पेश किया गया है, उसे जेसी कर दिया गया है और 14 डेज के लिए वो क्वारंटाइन भी हुआ है साथ ही साथ। और अब हम आगे के लिए इस चीज़ में ये है कि इस महिला के ऊपर अपने ससुराल पक्ष, अपने सास ससुर सबका बहुत प्रेशर था कि ये FIR नहीं दर्ज करवाए, परंतु ये जब हमारे पास ह्यूमन राइट सेल में आई तो हमने इन्हें बहुत अच्छे से परामर्श देके इनका सहयोग करते हुए ये FIR दर्ज करवाई है। आगे की प्रक्रियाएं जो अब आज की जेसी के बाद से क्या होता है वो 164 के बयान के बाद हम निर्धारित कर पाएंगे। इसमें मैडम एक बात ये भी सामने आई है कि पीड़ित पक्ष कह रहा है कि मौलाना कहता है अपने आप को कि मैं भू माफिया हूँ, मैं जादू टोना करता हूँ तो मैं तुम्हें बर्बाद बदनाम कर दूंगा, तो उस पर आप इनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इसके लिए ये अभी थोड़ी देर पहले भी महिला और महिला के जो बड़े भाई हैं उनका फ़ोन मेरे पास आया था कि मैडम अभी भी हमें धमकियाँ मिल रही है और जो मौलाना है वो भू माफिया है, ये बिल्कुल सही बात है जो हमने